हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड कैक पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट 1262 सीट वाली जो भर्ती थी उसके बारे में बात करेंगे कि इस भर्ती की टाइपिंग कब तक हो सकती है। हालांकि आप में से काफ़ी लोगों को टाइपिंग संबंधी न्यूज विभिन्न प्लेटफॉर्म से मिल चुकी होगी, क्योंकि कई जगह पर शेयर किया जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है ये अप्रैल और मई में होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और इस न्यूज़ को हमने बहुत पहले भी आपके साथ शेयर किया था। मैं आपको बता दूं कि 23 फरवरी को, जी हाँ, जब किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो 23 फरवरी को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। आयोग से की गई बात ही एक बच्चे द्वारा वो शेयर किया था। हालांकि वीडियोज मेरे लिए हमेशा हमारा पाना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं EPPCL में एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वर्क करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मेरी जो ये सिलेक्शन हुई थी ये टाइपिंग के बेस पे हुई थी, यानी कि एग्ज़ाम के बाद इसमें टाइपिंग भी दिया गया था। तो आपको टाइपिंग संबंधी जो जानकारी यहाँ मिलेगी जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए, आप उसके बारे में परेशान मत होइए, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो 23 फरवरी को मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी, तो वहाँ पे एक छात्र हैं जो गए हुए थे, उनकी वहाँ पे बात हुई थी, और वहाँ पे बताया गया था कि आयोग पूरी कोशिश कर रहा था 20 मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम करवाने का। कौन सा एग्ज़ाम? टाइपिंग एग्ज़ाम। और इसके लिए वो दो तीन जगहों पर बात भी किए थे, दो तीन संस्थाओं में, कि हाँ इस स्कूल में या फिर इस इंस्टीट्यूट में आपकी टाइपिंग करवा ली जाए, लेकिन हर जगह से जो है निगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहे थे इस समय के दौरान, यानी कि 20 मार्च के आसपास जो है निगेटिव न्यूज़ मिल रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आयोग जो है पूरी कोशिश कर रहा था आपका टाइपिंग टेस्ट जल्द से जल्द, यानी कि मार्च में करवाने का, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे आपका निगेटिव न्यूज मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि आयोग अभी भी इसके बाद भी लगातार पत्राचार कर रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि कोई भी कॉलेज, राजकीय कॉलेज या फिर ITI कॉलेज जो भी है, उसे जल्द से जल्द मिल जाए और वो आपकी टाइपिंग करवा ले। उस न्यूज़ में मैंने ये भी नोट किया था कि इलेक्शन का कोई भी असर आपकी टाइपिंग टेस्ट पर नहीं पड़ने वाला है। ये मत सोचिए कि इलेक्शन हो रहा है तो आपकी टाइपिंग नहीं होगी। प्लस आप इस बात के लिए श्योर रहिए कि आपकी जो टाइपिंग है ये अप्रैल और मई में होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्च में उनको डेट नहीं मिली है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा मार्च में उनको डेट नहीं मिल रहा था 20 मार्च के आसपास, तो संभावनाएं हैं अप्रैल में उनको डेट मिल जाए और अप्रैल में आपकी टाइपिंग करवाई जाए, यानी कि शुरू की जाए। आपको पता होगा कि एक साथ बहुत ज़्यादा बच्चों की टाइपिंग नहीं होती है, क्योंकि वो एक दो इंस्टीट्यूट ही हायर करते हैं, तो आपकी प्रोसेस जो है टाइपिंग की हो सकता है कि 20-25 दिन तक चले। जी हाँ, संभावनाएं हैं कि 15 दिन के आसपास आपकी टाइपिंग चलती रहे। और इस संभावना को अगर देखा जाए तो आपकी टाइपिंग जो है मुमकिन है कि 20 अप्रैल के आसपास आपकी टाइपिंग जो है ये लग जाए, जो 20 मार्च को ट्राई कर रहे थे वो 20 अप्रैल को लग जाए, ठीक है, और आपकी टाइपिंग जो है अप्रैल से लेके मई के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग है ये आपकी अप्रैल और मई दोनों महीनों में होने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। रही बात आपकी टाइपिंग की, तो टाइपिंग के लिए आपका दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे ज़रूरी है आपका फोकस, आपका फोकस होना चाहिए स्क्रीन पर, तभी आप टाइपिंग को अच्छे से कर पाएंगे, वरना दिक्कतें हो जाती हैं। दूसरा है कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंस भी चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के आपकी टाइपिंग कभी पास नहीं हो पाएंगे। भले ही आपकी घर की स्पीड 50 आ रही हो, आप वहाँ पे 30 की स्पीड नहीं ला पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है टाइपिंग को पास करने के लिए। मैंने अपने एग्ज़ाम में, स्पेशल के एग्ज़ाम में कई बच्चों को देखा जिनकी स्पीड बहुत अच्छी थी घर पर, लेकिन वो एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हाथ कांप रहे थे कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कॉन्फिडेंट रखा जाए, ठीक है। कुछ ऐसे प्रयास के तौर पे 7 मार्च को, यानी कि आज से दो दिन पहले, ठीक है, मैंने एक VC भी रखा था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स जो भी हैं टाइपिंग संबंधित उनको क्लियर किया गया। बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन किया और उनके डाउट्स क्लियर किए गए। हालांकि इसकी सूचना बहुत पहले से सभी बच्चों तक नहीं पहुँच पाती है, तो बहुत से बच्चे ये शिकायत कर रहे थे कि सर वो VC के दौरान नहीं आ सके। तो मैं आप लोगों को एक और अवसर दे रहा हूँ, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में, माफ़ कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपने डाउट्स जो है
और शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी समस्याएं आ रही हैं टाइपिंग संबंधित, जो भी इश्यूज है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे उसकी जानकारी होगी तो मैं उसका समाधान आपको दूंगा, ठीक है। कैसे? वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई सभी का करना पॉसिबल नहीं है, समय की थोड़ी व्यस्तता होती है, जिसकी वजह से मैं कमेंट पढ़ तो सकता हूँ लेकिन सबका रिप्लाई पर्सनली करना पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइपिंग संबंधित बहुत सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। समस्याएं तो दूर की जा रही हैं वर्तमान में, आगे आपका जब डेट आपका अनाउंस हो जाएगा, जब डेट आपका पास आने लगेगा, तो वहाँ पे सामूहिक रूप से आपके बच्चों का मैं टाइपिंग भी करवाऊंगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ऐसा मैंने पीपीएसएल में किया हुआ है तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ पे करवाया जाएगा। आप परेशान मत होइए, कॉन्फिडेंट आपके अंदर भरना मेरी जिम्मेदारी है, स्पीड आप लेकर आइए, कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर भर दूंगा कि आपको वहाँ पे हाथ ना कांपे या फिर कोई समस्या ना आए, ठीक है। बाकी स्पीड लाने का बेसिक रूल यही है, आप कोशिश कीजिए कि कीबोर्ड को मत देखिए, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे कीबोर्ड देख रहे होंगे या फिर अभी छोड़ दिए होंगे लेकिन देख रहे थे, वो एक समय पे जब उनकी स्पीड 20 से 25 के बीच में होगी वहाँ पे फंस जाएंगे और उनकी स्पीड इसके आगे नहीं बढ़ेगी, और उसका कारण यही है क्योंकि आप कीबोर्ड को देख रहे हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड को देखना अवॉइड कीजिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और नहीं देखने का मतलब ये नहीं हुआ कि बिल्कुल मत देखिए, आप चाहिए तो कुछ कुछ अंतराल पे एक दो लीटर्स के लिए देख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कम से कम देखने की या फिर नहीं देखने की, जितना नहीं देखेंगे उतना ही आपको स्पीड में फ़ायदा होगा। बाकी आपकी एक्यूरेसी जो है इस एग्जाम में मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड उतनी ही जल्दी आएगी। तो कोशिश करना है अपनी एक्यूरेसी जो है मेंटेन रखिए, 85-90 के आसपास अपनी एक्यूरेसी रखिए कम से कम, ठीक है, 85 रखिए कम से कम, इससे कम तो मत जाइएगा वरना थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पे एक्यूरेसी कोई रोल नहीं है, लेकिन 85 अगर आप रखेंगे तो भी ठीक है, 85 से अब रखिएगा, कोशिश होनी चाहिए 90 से ऊपर ही एक्यूरेसी आपकी रहे, जिससे अच्छी एक अच्छी स्पीड आ जाए। और जब भी टाइपिंग शुरू कीजिए कोशिश कीजिए स्टार्टिंग के एक मिनट में आपसे इरर कम से कम हो या फिर इरर हो ही नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप श्योर रहिए आपकी स्पीड आराम से एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएगी। और अगर आपकी वर्तमान में स्पीड आ रही है ठीक ठाक, ठीक है, तब आप अपने वर्स्ट कंडीशंस को देखिए कि अगर एग्जाम में आपके एक मिनट बर्बाद हो जा रहे हैं, यानी कि एक मिनट आप टाइपिंग बहुत स्लो कर रहे हैं, तो क्या आप स्पीड को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइपिंग में जो वर्स्ट कंडीशन हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में, आप उसको इमेजिन कीजिए और उसके हिसाब से भी टाइपिंग करते रहिए, ताकि वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, वो एकमात्र मौका होगा, वो एकमात्र 5 मिनट होंगे जब आपको टाइपिंग करनी होती है। तो उसके हर एक कंडीशंस में आप कोशिश कीजिए टाइपिंग को करने का, अगर आप पहली बार टाइपिंग दे रहे हैं। तो जो बच्चे पहले भी टाइपिंग दे चुके हैं उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती हैं, हालांकि अगर वो उसमें फेल हुए थे तो उनको भी दिक्कतें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ मिल जाएगा, पिन किया हुआ मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी फ्यूचर में और अभी भी, और अपने डाउट्स जो है वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियोज एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब करने नहीं बोला हूँ तो सब्सक्राइब करना भूल मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर ठोकिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।